गूगल कंपनी के फाउंडर लैरी पेज कहते हैं, बहुत सारी कंपनियों को इंडस्ट्री में टिकना नहीं आता। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले तो बहुत चलती थी, बट वो अब नहीं चलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों का कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं था। बाय द वे, वो अपने पुराने तरीके से ही बिजनेस करते रहते हैं और इसी वजह से वो मार्केट में नहीं टिक पाते। और ऐसा ही होता है हमारे साथ में भी। हम ओवर थिंकिंग के लूप में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें वक्त के साथ में खुद को कैसे बदलना है। Now, I have been an overthinker all my life, and overthinking has nearly stopped me from doing lots of things that have to these kind of ideals. We're trying to do everything perfectly, and it's impossible. Life is too busy, I can't simplify. No, it's you don't want to. You have the choice. Nobody's holding a gun to your head saying, you have to associate with these people, you have to do these things. No, you choose to do them. Lose your mother. You're going to lose your father. People are also going to hurt you, even though you don't even know what you did wrong. Things like this are going to happen in this lifetime. To wait for better times to come, where the world will be completely in peace, and you can walk peacefully over the street, never having the fear that somebody's going to come and do something to you. It's not going to happen. The world is just the way as it is. If we don't create the better times, nothing's going to happen. दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट, आज के इस वीडियो में आप जानोगे 3 वे जिनसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, 3 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ। नंबर 1, जिन चीजों को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं वो पूरा दिन हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो तो इसका मतलब आप ऐसी चीजों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो जिन्हें आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। हमेशा वैल्यू उस काम में ज्यादा दो जो सडनली आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये बात हमें बहुत लेट समझ आती है। जितनी कम चीजों को आप वैल्यू दोगे और उतनी ही कम चीजों से आपके माइंड पर कम फर्क पड़ेगा। जैसे किसी चीज की रियलिटी जानकर आप उसको अनइम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर देते हो और वो आपके माइंड से ड्रॉप हो जाती है और आपका मन रिलैक्स हो जाता है, जिससे आप ओवर थिंकिंग के लूप से काफी हद तक बच जाते हो। नंबर 2, कुछ लोग जिनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो सब कुछ करना बंद कर देते हैं और बस बैठकर सोचते रहते हैं, जिससे वो और भी गहरी ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर आप ओवर थिंकिंग करके नहीं निकल सकते, आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन देकर काम नहीं करवाते तो वो उस खालीपन को भरने के लिए अपने माइंड में कुछ न कुछ सोचने लगेगा, जिससे आपका ओवर थिंकिंग के लूप से निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, कई लोगों को तो ये दिक्कत आती है कि वो अपना काम करते करते ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और उनको कुछ पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग एक्सटर्नल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काउंट डाउन टाइमर मेथड। इसमें आप काम करते टाइम अपने सामने एक टाइमर चला दो, जिससे आपका उस काम को करने में प्रेशर बना रहे और आप ऊपर से जब भी ओवर थिंकिंग में फंस जाओ तो टाइमर देखकर आपका थॉट ब्रेक हो जाएगा और आप वापस से काम पर लग जाओगे। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।